हेलो गाइस, मैं यहाँ पर ना अपने हाथ में मेहंदी लगाई हूँ और रात का भी 1:30 बज रहा है, तब मेरा मेहंदी लगाना कंप्लीट हुआ है। सिंपल सोबर जैसा मुझे आता है मैं लगा ली हूँ, और साथ में लैपटॉप में देख रही हूँ बिग बॉस। बिग बॉस का जो न्यू सीजन स्टार्ट हुआ है वो मुझे बहुत पसंद है देखना, तो बस मैं यहाँ पर अपने हाथ में मेहंदी लगा के और थोड़ा सा आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर दे रही हूँ। मेहंदी लगाते समय शूट नहीं की हूँ, बहुत ज्यादा आज थक गई हूँ, मार्केट से भी आई हूँ, पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे। तो बस उसके बाद खाना वाना खा के सिस्टर के घर से अपन घर ही आए हैं 12:30 के आसपास। इसके बाद में मेहंदी लगाना स्टार्ट करूँगी, यहाँ पे नेक्स्ट डे का है फिर ये। कुछ कैश वैस भी दे दो यार, ट्रांसफर किए हो सच में? कल यूज हो गया है? यूज हो गया है, कैश दिया था शाम को। अच्छा ठीक है, याद आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हस्बैंड आज करवा चौथ के दिन वो बाहर गए हैं, अहमदाबाद गए गुजरात, तो जाना जरूरी था इस वजह से गए हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्या कर सकते हैं, पहले काम जरूरी है इसके बाद फिर बाकी सब। तो बस आज करवा चौथ है, मन तो था मेरा घर में रहे लेकिन रहना पॉसिबल नहीं था। और आज के दिन चांदी का छल्ला बिछिया ये गिफ्ट देना बहुत ही शुभ था, बहुत ही अच्छा था। तो कल जो मैं आप लोग को दिखाई ना ब्लॉग, तो मैं ही मेरे हस्बैंड को बोली थी कि मेरे को लेके दे देने, तो वो रायपुर से ही कल लेट आए, तो मुझे बोले साथ में ही चलो वहीं से ले लेंगे, तो वही साथ में गए थे, तो ये ले लिया और आज मैं उनके हाथ से ले ली, तो पहन लूंगी। ये अंगूठा वाला ना बिछिया है, और ये मैं चिकना इस वजह से ली हूं ना क्योंकि गंदा होता ना डस्ट, ऑलरेडी मैं स्टोन वाला पहनी हुई हूँ, पूरा स्टोन लगाए लेकिन ना धीरे धीरे स्टोन निकल जाता है, और ये रेगुलर यूज के लिए ना सही रहता है। और फिर लेना भी था, एक नियम भी था, तो फिर मैं ज्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करी इसको पसंद करने में, अभी पहले एक ले ली। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हस्बैंड मेरे जस्ट चले गए हैं, सोना के हस्बैंड आए थे, वो लेकर गए हैं स्टेशन तक छोड़ने, तो अहमदाबाद जा रहे हैं, वहीं से ट्रेन में बैठ जाएंगे। बहुत बिजी बिजी अभी आजकल ऐसे ही वाला शेड्यूल चल रहा है, मे भी दिवाली में भी ना रहे, शायद मैं दिवाली में भी अकेले ही रहूं, अगर रहे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ऐसी चांसेस लग रही है बिजी होने की वजह से। और पूजा का बर्तन वगैरह वॉश हो चुका है, मैं बस अब जा रही हूँ पूजा करने। पूजा नहीं की हूँ फ्रेंड्स, सुबह ही कर लेना था लेकिन मैं नहीं की हूँ, मेडिसिन खा रही हूँ ना, तो रात में जब 3 बजे सरगी खाते हैं ना, यानी कि कुछ भी मीठा खाने का रसम है, तो मैं रात में जब 3 बजे मीठा खाई ना, यानी कि बनाना शेक पी ली और नारियल पानी पी ली, क्योंकि निर्जला व्रत है तो इस वजह से, तो उसी समय पे ना जो अभी दिन में जो दवाई खाती हूँ दोपहर में शाम में सुबह वो सब खाई हूँ रात में ही, क्योंकि अभी पानी नहीं पीना है तो दवाई कैसे खाऊंगी, अब सीधा दवाई खाऊंगी रात में। इस वजह से ना डोजेस की वजह से मुझे बहुत नींद आ रहा है, अभी भी नींद आ रहा है। तो बस पूजा का बर्तन वगैरह धुल चुका है, नहाऊंगी, भगवान जी का पूजा करूंगी और कुछ देर रेस्ट करके फिर रेडी होकर जाऊंगी सिस्टर के घर। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, जो हो पाएगा वो शेयर करूंगी, ब्लॉग अगर लॉन्ग होगा तो 2 पार्ट में भी कर दूंगी, क्योंकि सारा तैयारी पूजा का जो भी है वो मैं ही करूंगी, मतलब जमाऊंगी मैं ही, बाकी हम सब सारा चीज कल परचेस कर लिए हैं, और हर बार करने की वजह से मुझे याद भी है, चाची लोग भी करते हैं, पर चाची बोल रही कि खुशबू आप ज्यादा अच्छे से करते हो, तो आपके तरीके से आपके स्टाइल से भी करेंगे, तो ऐसे ही है, एक दूसरे से इंसान सीखता ही है ना कि कैसे क्या करना है, तो वही। तो चलो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, पसंद आता है ना तो प्लीज, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ एडिट करके कल वाली वीडियो को, आज मतलब करवा चौथ के दिन अभी पोस्ट भी करूंगी, वो भी एक काम है, कर ही देती हूँ तुरंत तुरंत। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक फ्रेंड्स। ये ली हूँ मैं मम्मी के लिए साड़ी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग देखे होंगे ऐसी एक साड़ी मैं ली थी अपने भाई के सगाई में, तो बस वैसे ही है, लेकिन वो थोड़ा भारी था और ये थोड़ा सा लो वेट है, क्योंकि मेरी मम्मी का मैं चॉइस जानती हूँ, मम्मी को ना हल्का पहनने का मन करता है, और मे भी उनको ये लाइट कलर पसंद आएगा, क्योंकि ना मैं देखी हूँ पसंद कर लेती है, मेरा पसंद बोलती है नहीं अब पसंद है ऐसे करके, तो ये ना मतलब एज ए प्रोफेशनल बहुत अच्छा लगेगा साड़ी, अगर आप पार्टी फंक्शन में भी पहनते हो और अपने एज के अकॉर्डिंग, एक होता है ना कि हाँ इस टाइप के चीज में इस टाइप का शूट करेगा, तो मम्मी का जो कलर है ना उस कलर के अकॉर्डिंग ही ये सूट करेगा, तो नीचे पूरे बॉर्डर में कुछ इस टाइप का डिजाइन है, ये देख सकते हैं, और फिर पूरा ऐसे है लाइट पिंक कलर, तो ये मुझे ना एक नजर में ही बहुत पसंद आया फ्रेंड्स, तो मैं ले ली।
और मेरे साथ एक कस्टमर और थे, वो भी इसी पे हाथ रखे थे, लेकिन मैं पहली बोल दी ये ना मैं ले रही हूँ, क्योंकि उनको भी ये पसंद आ रहा था। तो वो दिखाने वाले को कह रहे थे कि पहले क्यों नहीं मुझे दिखाए, तो वो बोले कि वो आप बताते कि ऐसा दिखाओ, मतलब मेरे बारे में कहे कि ये तो आते साथ ही कहीं कि मतलब सीधा आप मेरे को इस टाइप का साड़ी, इस टाइप का पैटर्न दिखाओ। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, जरूर से बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बहुत शौक से ली हूँ, मम्मी तो देख लेगी लेकिन आप लोग नहीं देख पाइएगा, बिजी होने के कारण पता नहीं रात में अच्छे से दिखा पाई या नहीं दिखा पाई। तो ये मैं साड़ी ली हूँ फ्रेंड्स, तो पहले इसको फोल्ड कर देती हूँ। और आंचल में कुछ ऐसा है, ये देखिए आंचल, आंचल कुछ ऐसा है, इस टाइप से है। मेरा थोड़ा सा और लाइट पिंक है जो मेरी साड़ी है, तो ये मेरे को बहुत पसंद है। प्लेट वगैरह ना इजिली बन जाएगा, एक कपड़े को देख के पता चलता है ना, तो इजिली बन जाएगा, इस वजह से फिर मैं यही फाइनल करी। तो इसको फोल्ड कर देती हूँ, सबसे पहले फोल्ड कर दी हूँ फ्रेंड्स। कुछ ऐसा है साड़ी, साड़ी लेते समय हस्बैंड मेरे नहीं थे लेकिन उनको देख के पसंद आया, पसंद करते हैं। मुझे ना बहुत लाल पीला या मल्टी कलर, मतलब बहुत एक ना सब चीज का एक समय भी होता है ना, और मेरे को ऐसी साड़ियां या मतलब जो होता है ना थोड़ा सा सिंपल एंड सोवर, तो मेरे को वो फील होता है कि प्रोफेशनल लग रहा है, तो वैसा मुझे पसंद आता है। और एक एज भी होता है, मम्मी के अकॉर्डिंग ऐसा ज्यादा बेटर रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में ना फोन आ गया था हस्बैंड का, वो ना ट्रेन में बैठ गए हैं और पार्सल ले लिए हैं, मैं कुछ ऐसे बनाई नहीं हूँ और ना बनाने बोले, सुबह नाश्ता कर लिए थे, पूरी सब्जी बाहर गए थे, तो ये पेटीकोट मैचिंग कुर्ती का, और बहुत अच्छा अंदर में ना जो ब्लाउज है ना, ब्लाउज पतले कपड़े का, साड़ी थोड़ी सी मोटी टाइप से, लेकिन उतना भी मोटा नहीं बोलेंगे लेकिन है, और लेकिन जो अंदर का ब्लाउज है वो बहुत अच्छा है। तो ये मैं दी हूँ, ली हूँ यानी सास को देने के लिए। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। बिंदी, एक कंघी, उसके बाद मैं ना बजाज का आमंड ड्रॉप्स होता है ना वो वाला ऑयल ले रही थी, लेकिन उसका ना ढक्कन से ऐसा पता चल रहा था कि रखूंगी ना तो गिर सकता है, तो फिर मैं पैराशूट ऑयल ले ली। हस्बैंड ना मेरे साथ में थे तो वो बोल रहे थे ये लो वो लो। मेरी मम्मी ना मेरे साथ जब गई थी ना कभी भी मतलब कुछ खरीदवाने, तो मम्मी ना लिक्विड सिंदूर जरूर लेती थी, तो मेरे को ऐसा लगा मैं इस बार लिक्विड सिंदूर ही लेती हूँ उनके लिए, खुश हो जाएंगी, क्योंकि होता है ना एक गिफ्ट हो जाता है ना, कितना भी कोई खुद से खरीदे, मैं भी कितना भी अपने पैसे से खरीदूं, लेकिन कोई कुछ देता है तो उसकी बात अलग हो जाती है, भावना। ये ना निविया का क्रीम उस शॉप में ना छोटा वाला एक मतलब था, साइज यही था, इससे बड़ा वाला आता है ना वो मैं मंगी थी लेकिन वो नहीं था, तो ऐसा वाला मैं ना दो ले ली, क्योंकि एक छोटा सा लेने में सही नहीं लग रहा था, तो ये ली हूँ। इसके बाद है फ्रेंड्स मल्टी कलर की चूड़ी, और ये सब मम्मी के लिए ही मैं ली हूँ, अपने लिए तो लेते रहती हूँ ना जब कुछ लगता है तो, मैचिंग या कुछ भी जरूरत पड़ा तो। ये देखिए, ये इसमें ग्रीन येलो और गोल्डन और ऑरेंज का है, इस टाइप का मल्टी कलर की ये चूड़ी, एक खोल के दिखा रही थी, ये मैं मम्मी के लिए ली हूँ। कैसा लग रहा है, मन था फ्रेंड्स लेने का, क्योंकि मम्मी के बेटे ही कमाते हैं तो मेरे भी शौक पूरे होते हैं, तो मम्मी एक तरह का ये रस्म है कि ना करवा चौथ में सास को देना चाहिए, क्योंकि सास अपने बेटे को दे देती है आपको, तो ये मैं ली हूँ। कैसा लग रहा है, बहुत सारा देखी फ्रेंड्स लेकिन मुझे फिर ना थोड़ा जो पसंद आया ना मैं वही ली, और यही सुपेला बैंगल्स वाला शॉप है उसके यहाँ से ली हूँ ना, बहुत कॉस्टली दिया ये सारा सामान, सारा प्राइसिंग रेट पर ही दिया है, टाइम नहीं था, हस्बैंड लेट आए रायपुर से तो हम नहीं जा सकते थे पावर हाउस, मतलब और भी जो मैं शॉप पहचान का है वहां भी, तो ये मैं ली हूँ। ये कैसा है, तीन कलर इसमें भी है और इसमें चार पांच कलर है, ब्लू है, व्हाइट है, लाइट पिंक कलर, रेड कलर, येलो, तो इसमें बहुत सारा कलर है, तो ये दो टाइप का मल्टी कलर ली हूँ। मम्मी चूड़ी बहुत शौक से पहनती है फ्रेंड्स, मैं तो जैसे एक कंगन डाली हूँ ना, मम्मी चूड़ी अच्छा सेट लगा लगा के पहनती है, उनको पसंद भी है, तो वो ले ली हूँ। फिर ये माता जी को चढ़ाने के लिए एक छोटा वाला चूड़ी ली हूँ, छोटा साइज सवा दो है, ये मम्मी को भेज दूंगी, और ये दो छह है ये वाला ना मैं रखूंगी भगवान को, माता रानी को चढ़ाने के बाद पहनने के लिए। और सिंदूर और बिंदी भी ली हूँ, वो सब ना चाची के पास है, सिंदूर बिंदी आलता, भगवान को चढ़ाने के लिए भी अलग से सिंगार का सामान। फिर ये दो ठोक ये भी चूड़ी ली हूँ, एक सवा दो है और एक दो छह है, मैरून कलर मेरे को मन किया ना तो मैं मैरून अपने लिए भी ली। ये देखिए डार्क मैरून है पर ना मेरे हाथ में ना सुंदर दिखेगा, थोड़ा सा मतलब इतनी गोरी तो नहीं हूँ लेकिन हाथ फेयर है ना
तो हाथ में ना अच्छा दिखेगा। तो ये मैं अपने लिए ली हूँ और ये थोड़ा सा रेड कलर का है थोड़ा सा, और ये डार्क मैरून है, मैरून में ये भी है लेकिन लाइट है। ये मैं मम्मी के लिए ली हूँ, कैसा लग रहा है बताइएगा। कुछ चीजें होता है ना सिंपल सोवर पर अच्छा, और ये ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 60 रुपीज का ही पड़ा है, मतलब 60 रुपीज का चार, 60 रुपीज का चार। कॉस्टली ना ये वाली कंगन है, ये अलग से ऐसे बॉक्स में भी था पर मुझे पसंद आया मैं ले ली, और हस्बैंड मेरे साथ में थे ना तो वो ना बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करने देते, जैसे होता ना अपन रेट देखकर छोड़ दें चीज तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ले लो ले लो। ये निविया की क्रीम में बोल रहे थे ये छोटा वाला क्यों ले रहे हो, मैं बोली शॉप में है ही नहीं बड़ा, तो मैं फिर ना दो ले ली ऐसा। तो ये हो गया क्रीम, हो गया पाउडर, हो गया सिंदूर, बिंदी, कंघी और क्या बोलना चाहिए ऑयल। लेने को और भी चीज ले सकते हैं, मेरे को जितना समझ आया मैं उतना ले ली फ्रेंड्स। तो ये है मेरी सासू माँ का बायना जो आप लोग देख रहे हो, तो ये सासू माँ का बायना ली हूँ फ्रेंड्स, और ये दूसरे पॉलिथीन में था ये छूट गया था, ये भी जरूरी था आलता, और भगवान को चढ़ाने के लिए अलग से ली हूँ, वो सब चाची के पास ही यानी मेरी सिस्टर के घर पे ही भेज दी। और ये एक रेड कलर का नेल पेंट मुझे अच्छा लगा तो ली, ये दूसरे शॉप से ली हूँ इस वाले शॉप से नहीं, क्योंकि उसके यहाँ उतना अच्छा नहीं था, मतलब एक होता ना कि ब्रांड भी होता है वो नहीं था। ये देखो ये ना ब्रांड है, कलर्स लिखा है ना कलर्स का। तो ये मैं ली बायना, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे ना फ्रेंड्स शौक था कि ना, और ये सब देने लेने से कुछ होता नहीं है, छोटू सा गिफ्ट है, कोई मुझे भी देता है मैं भी किसी को देती हूँ, छोटू सा गिफ्ट है। सबसे मेन तो होता है कि प्यार, दूर रहे पास रहे, प्यार बना रहे, एक दूसरे के भावनाओं को समझें, समय के हिसाब से चेंजेस भी लाएं, बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे मेन होता है एक छत के नीचे रहने वाला परिवार, जब आप आपस में एक दूसरे को नहीं समझ रहे, एक दूसरे की खुशी के बारे में नहीं समझ रहे, तो फिर क्या मतलब है ऐसा साथ में रहने का भी और परिवार या फैमिली कहने का भी। तो बस यही है, मेरे को शौक था और मेरे मन में ये था, मैं कसम से कह रही हूँ, मन की बात कह रही हूँ, आखिर उनके बेटे कमाते हैं, यानी मेरे हस्बैंड मेरी सास के बेटे हैं, वो कमाते हैं तब तो मेरे भी शौक पूरे होते हैं। जो मेरे चेहरे पे स्माइल है उन्हीं की वजह से, बहुत ज्यादा केयरिंग हस्बैंड है। तो वो तो लड़के है ना, वो नहीं ना सोच पाएंगे कि मम्मी के लिए सिंदूर लें कि बिंदी लें, तो ये मुझे सोचना चाहिए है ना। तो यही एक बहाना है, करवा चौथ तो एक बहाना है, भगवान जी करे कि ऐसे ही तरक्की करते रहें, ऐसी मैं आगे भी सक्षम रहूं, और मैं भी सक्षम रही तो मैं फिर लूंगी। पर मैं ना 2021 से स्टार्ट की हूँ करवा चौथ करना, ये 2024 है, मेरा चौथा साल है फ्रेंड्स, झूठ नहीं कहूंगी। 3 साल में मैं अभी तक एक बार भी साड़ी नहीं दी हूँ, ना मम्मी मेरे साथ है और ना मैं साड़ी भेज पाई हूँ। हाँ, दक्षिणा के रूप में पैसे या ड्राई फ्रूट्स जो चढ़ाते हैं ना, जो सूखा आइटम जो मैं पहुंचा सकती हूँ वो बस भले रखी थी। तो यही है, मेरे को शौक था तो मैं ले ली हूँ, और वीडियो लॉन्ग हुई तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगी। कुछ नहीं, बस एक मेमोरी है, साड़ी तो एक नजर में मुझे पसंद आ गया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आई थिंक हम लोग जब साड़ी के शॉप में थे 9:30 या 10:15 हो रहा था, पर बोलते नहीं कभी कभी किसी कोई चीज नजर को पसंद आता है, ये मैं भी पहनूंगी ना बहुत प्यारी लगूंगी। मेरे पास तो है पर इससे और हैवी वाला है, बहुत भारी है वो, उसका ब्लाउज वगैरह भी बहुत भारी है, पटोला सिल्क में वो साड़ी है, मैं मेरे भाई के सगाई के समय ली थी। तो बस यही सब, इसीलिए चूड़ी तो ऐसा मेरे को लग रहा था और ले लूं, ऐसा नहीं कि नहीं है तो एक ले लिए ऐसा नहीं। तो ये सब एक शॉप से खरीदे, फिर गई मैं साड़ी वाले दुकान में, तो साड़ी बाद में खरीदी हूँ ना इसलिए मैचिंग वाली चूड़ी नहीं खरीद पाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे बातों को लेक्चर मत समझिएगा, ब्लॉग है मेरा और मैं अपनी भावनाएं इसी प्लेटफॉर्म पे रख सकती हूँ और कहीं नहीं रख सकती, किसी के पास टाइम नहीं है कि मेरी बात को सुने या समझे, बस आपके अपने आप को भले सुन सकते हैं थोड़ा समय निकालकर। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, जा रही हूँ फ्रेंड्स नहाने, भगवान जी का पूजा करना है, फिर मीठा वाला गुलगुला बनाऊंगी जो करवा के अंदर भर कर पूजा किया जाएगा, मतलब गेहूं जरूरी है, आटे का प्रसाद मतलब गुलगुला जरूरी है। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, और बाकी चीज खरीद लिए थे कल, उसके बाद रेडी भी होंगी और
मतलब चाची वहां पर और भी चीज जो चीज बच गया यानी कि पेड़ा वगैरह तो वो चाची ले आएगी। तो चलिए बने रहिएगा और मैं अपना करवा नहीं दिखाई ना, अभी नजर के दिखाती हूँ एक बार। ये मैं ना फ्रेंड्स करवा ली हूँ, कल मार्केट का तो आप लोग को शेयर की थी, उसमें आप लोग देखे होंगे, लेकिन घर लाके भी दिखा दे रही। इसमें पानी भर के चेक भी कर लिए हैं क्योंकि कई बार होता है ना फॉल्ट भी, तो अच्छे से हर तरफ से चिकना है, बिल्कुल भी टूटा उटा नहीं है, क्योंकि ऐसा खंडित कभी भी बर्तन नहीं होना चाहिए पूजा करने वाला स्पेशली, तो बहुत अच्छे से सब देख के लेना होता है। इसीलिए मैं ना मेरी सिस्टर की चाची सास के साथ गई ये सब लेने के लिए, क्योंकि कितना भी हो मुझे अपने आप में ऐसा लगता है नहीं मुझे उतना नॉलेज नहीं है ऐसे, तो ये मेरे पास करवा नहीं था। चौथा साल है मैं ना मिट्टी के करवा से ही पूजा करती थी, दो मिट्टी करवा खरीदना पड़ता था हर साल, और अब बस एक ही करवा खरीदूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये है करवा, और करवा के साथ में ऊपर प्लेट जरूरी है, इस प्लेट पर दिया रखाएगा और फिर बाद में मेरे को प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए भी पूजा पे काम आ जाएगा। तो ये मैं करवा खरीदी, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे घर ना भगवान जी को भोग लगाने के लिए कटोरी नहीं था, तो ये कटोरी खरीदी, पूना में है, भिलाई वाले घर पे नहीं है, तो ये भी खरीदी। कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा फ्रेंड्स। तो आप लोग एक्साइटेड रहिएगा और करवा चौथ का ब्लॉग मेरा आएगा वो जरूर देखिएगा रात वाला। ये ना ब्लैक झिल्ली में है, ये साइड में रखी हूँ, ये दो दर्जन खरीदी हूँ फ्रेंड्स, दिया और ये है बत्ती। अभी ना कार्तिक चल रहा है, कार्तिक में ना सुबेरे ना डेली जितना हो सकता है 5-7 ऐसे मतलब दिया दीपदान करना चाहिए, तो बहुत नहीं तो 2-4 दिया तो मैं जला सकती हूँ दरवाजे पे तुलसी जी पे, तो इसीलिए लाई हूँ। मेरे पास सिर्फ दो ही नया दिया था अंदर पूजा में, तो इस वजह से मैं ना खरीदी। हाँ कराई हूँ और जस्ट पैर में आलता लगाई हूँ और लाइट हो गया है गोल, ये देखो पूरा अंधेरा। ये रही मैं नहा के जस्ट आई हूँ, तूफान चल रहा था, मतलब तूफान आंधी तूफान था, अब तो इतना तेज बारिश हो रहा है और जैसे तो घर पूरा अंधेरा है, पता नहीं अभी कैसे तैयार होंगी। देख सकते बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रहा है, मेरा तो ऐसे कपड़ा अंदर डला है, तो देख रहे हो ना कितना बादल गरज रहा है, कपड़ा अंदर डला है ना इस वजह से, कोई दिक्कत नहीं है कपड़ा नहीं भीगा है, लेकिन देखो बहुत बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा तेज, थोड़ा सा लग रहा है कम हुआ है पर थोड़ा ही कम हुआ है। देख रहे हैं ना रोड का पानी, आकर आई आलता लगा ली, बादल गरज रहा था तो मुझे लग रहा था चांसेस की लाइट गोल होने वाला है। अब जा रही हूँ मैं ना वो गुलगुला छान लेती हूँ, क्योंकि क्या भरोसा कब तक आएगा कब तक नहीं, तो जो तैयारी करना वो तैयारी कर लेती हूँ, नहीं हो पाएगा तो बस ऐसे सिंपल सा रेडी हो जाऊंगी, मतलब कपड़े पहन लूंगी। और पता है मैं नहा के आने के बाद फेस पे ना टोनर भी लगाई हूँ कि चलो इसके बाद तैयार होंगी, लेकिन ना पूरा घर ही अंधेरा हो गया है, ये मैं विंडो के पास खड़ी हूँ इसलिए रोशनी से थोड़ा सा मेरे फेस पे रोशनी भी आ रहा है। चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स अभी मैं ना लोटे में पानी डालकर और फिर फूल रखकर ले जा रही हूँ, और सबसे मेन दरवाजे पर मैं लोटे में पानी रखती हूँ तो वही रख रही हूँ, और लाइट ऑफ ही है पर बट कब तक वेट करूंगी, टाइम कम है और फिर रेडी भी होना है, तो मे बी लाइट आ जाए तो थोड़े देर बाद तो सही रहेगा। इस समय लाइट ऑफ है, मैं मोबाइल के ही लाइट से ना यहाँ पे भगवान जी का पूजा कर रही हूँ, तो भगवान जी को गंगा जल छीटने के बाद और इसके बाद फिर सभी भगवान जी को टीका लगा दे रही हूँ, और इसके बाद दिया पहले ही जला के फिर पूजा स्टार्ट करते हैं, तो दिया जला के फिर पूजा स्टार्ट की हूँ, बस अगरबत्ती जला लूंगी और थोड़ा सा घर में घुमा दूंगी। तो सबसे पहले पूजा ही स्टार्ट करी यहाँ पर, और इसके बाद आगे का जो भी काम है वो करूंगी। लाइट गोल हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा था, इसीलिए मैं जल्द से ना फटाफट नहा करके आई, क्योंकि पूरा अंधेरा हो गया है घर, तो बस भगवान जी को फूल से सजा देनी है, और फूल रखने के बाद भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, एक अलग ही फ्रीक्वेंस एक अच्छा लगता है, ताजा ताजा फूल रखो तो बस फूल रखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर टीका लगा ली हूँ तो टीका वाला बॉक्स को नीचे रख दे रही हूँ, इसके बाद अगरबत्ती जला लूंगी और भगवान जी का कर लूंगी मैं पूजा। तो आप लोग को अगर थोड़ा भी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, जो भी मेरी ओरिजिनल लाइफ है मैं वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ,
सब कुछ रियल रहता है, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। तो भगवान जी को अच्छे से सजा दी हूँ फूल वगैरह से और दिया भी जला दी हूँ, जैसा कि दिया तो डेली ही जलाती हूँ। और आज करवा चौथ के दिन ही हस्बैंड मेरे सुबेरे चले गए हैं, यानी कि सुबेरे नहीं, 2 बजे उनका ट्रेन था तो 2 बजे चले गए हैं। यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। अभी लाइट आया है फ्रेंड्स, वो भी लाइट ऑफ था, फ्रिज में से हल्का सा साउंड आता है ना, उससे पता चला कि लाइट आ गया है। जी का पूजा हो गया है, भले ही बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है, देखो बाहर में बहुत तेज, पर लाइट आ गया, भला हो, मैं जल्दी से अपना काम कर लूं। भगवान जी एकदम सजे हुए हैं ना तो बहुत सुंदर लगते हैं। मैं फूल कल ही खरीद के लाई थी फ्रेंड्स। लाइट आ गया है तो मैं फटाफट बना ले रही हूँ प्रसाद। यहाँ पे इंडक्शन पे ही कढ़ाई को बैठा दे रही हूँ और इसके बाद इंडक्शन ऑन कर ली हूँ। इसके बाद रिफाइन ऑयल डाल दे रही हूँ छानने के लिए। गुलगुला बना रही हूँ, गुलगुला पहले से डोंगा में घोल कर रखी हूँ। चिमनी ऑन कर दी हूँ और डर भी है कि लाइट गोल हो सकता है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। आप लोग देखे ही कितना तेज साउंड था, तो यहाँ पर मैं गुलगुला बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। बन रहा है फ्रेंड्स आटे का गुलगुला। ये घोल में शक्कर और आटा और सौंफ डाली हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स ना बहुत ज्यादा तेल में निकल के ना जल जाता भी है, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ, सिर्फ सौंफ डाली हूँ। और नारियल भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट ये है कि थोड़ा निकल निकल के ना वेस्ट बहुत होता है तेल में, तो ऐसे में गुलगुला छान ले रही हूँ। लाइट गोल है बारिश के कारण, अचानक बारिश होने लगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, जब मैं रेडी होंगी ना उसके बाद फिर मिलती हूँ, या लाइट आएगा तभी आगे शूट करूंगी, नहीं तो फिर यहीं पर रोक दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं तैयार होंगी उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से। रेडी कर ली हूँ फ्रेंड्स, रख लूंगी इसको पैकेट में, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद थाली ली हूँ और ये भी है, और ना ये थाली जो ली हूँ ना, ये जो दिख रहा है ये मेरे शादी का थाली है, ऐसा और है 12 ठोक है, और ये भी मेरे शादी का है, तो मैं ये भी ली। देखो पानी ऐसे रखने के कारण ना पानी का दाग दाग दिख रहा है, धुला हुआ है। ये भी उतारी थी लेकिन लेके नहीं जाऊंगी, बहुत सामान हो जाएगा लेके जाने में भारी, तो इसलिए नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ ये सब लेके जाऊंगी, करवा ये थाली ले जाऊंगी, दोनों ले लूंगी और वो रख लूंगी पैकेट में। देख सकते हैं आप लोग लाइट, लेकिन ना वोल्टेज डाउन है, वोल्टेज डाउन होने के कारण ये चलाई ना नहीं चल रहा था चिमनी भी, तो फिर गैस पे बस छान ली हूँ, थोड़े बहुत निकले हैं बर्तन उसमें रखी हूँ, अब आने के बाद धोऊंगी और ये अभी ठंडा हो जाता है, फिर सिल्वर फॉइल में इसको पैक कर लूंगी।